नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ टीईटी परीक्षा की शुचिता भंग करने वाले गैंग के शिक्षा माफियाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले पुलिस ने सपा नेता सहित फरार चार आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित किया था। इसके बाद भी आरोपी कोर्ट में सरेंडर नहीं किए तो अब पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। रानी की सराय थाने की पुलिस ने शनिवार को इशरार अहमद के घर पहुंचकर लाखों रुपए की संपत्ति कुर्की। कुर्की की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। जल्द ही बाकी के 3 आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क कर दी जाएगी। बता दें कि जनवरी 2022 में शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी थी। इस परीक्षा में नकल कराने के लिए शिक्षा माफियाओं का गैंग सक्रिय था। पुलिस की सक्रियता के कारण नकल माफिया अपने मंसूबे में सफल नहीं हुए। परीक्षा शुरू होने से पहले ही पुलिस ने 23 जनवरी 2022 को 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने लगभग 51 लाख रुपए का चेक व कैश बरामद किया था। नकल माफियाओं के गैंग में DIOS कार्यालय का लिपिक भी शामिल था। इस मामले में DIOS के खिलाफ भी शासन द्वारा कार्रवाई की गई। इस मामले की विवेचना CEO लालगंज मनोज रघुवंशी कर रहे थे। जांच के दौरान इस प्रकरण में सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार सहित 8 लोगों के नाम सामने आए। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसरार सहित 4 आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। रानी की सराय थाना क्षेत्र के समोपुर निवासी इसरार अहमद, महाराजगंज थाना क्षेत्र के सिंहवारा खास गाँव निवासी जगजीवन, शहर के अहोपट्टी गांव निवासी सुनील यादव और शहर के रैदोपुर मोहल्ला निवासी तुषार सिंह अब तक फरार है। पुलिस ने पिछले दिन उक्त आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके बाद भी आरोपी कोर्ट में सरेंडर नहीं किए तो पुलिस ने धारा 82 के तहत इनके घर में नोटिस चस्पा कर दिया। इसके बाद भी आरोपी सामने नहीं आए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।